दादाजी आकर लंच आ गया, उठ जाए। आजो आजो, बड़ी भूख लगी थी। ओ की ला के आए हो? ये मम्मा ने आपके लिए मसालेदार दाल बनाई है, साथ में बड़े मजे का अनियन सैलेड बनाया है और साथ में बड़ी मजे की अचार आपको दिया, तो चलो एंजॉय करें। ओए आजो, फेर दाल पका ली तेरी माँ ने? क्या मतलब के फेर दाल पका ली? वो भी परसों तो दाल खाई है। वो तो येलो दाल थी, तो ब्लैक दाल है। ओ ब्लैक हो ये येलो हो, दाल तो दाल है पुत्र, कितनी दाल खिलानी मेनू? चल मेनू नहीं खानी, चल चुक ले जा इत्थों। अभी तो कह रहे थे आपकी आंखों भूख लगी है। ओ दाल देख के मेरी भूख मर गई हो, चुक अपनी दाल है। अच्छा यार, जरा सा चख लो यार। ओए जड़ा मतंजो ना, मैं जरा जा चख लूंगा। चुक कनू। अच्छा नहीं खानी तेरी, चख लो बस इतना सा, बस इतना। ओ नहीं खानी तेरी शाही दाल, चुक अपनी मां नु देख के। अच्छा नहीं खाना, मैं सच में ले जाऊं? ओ तू चुकदा या मैं जुत्ती चुका? हां चुक अपनी दाल। ऐडी दाल, सुबह दाल, रात दाल। दादी जी इधर उदास क्यों बैठे हैं? चलो मैं उनसे पूछता हूँ। आप खेलो। दादी जी आप इधर नाराज होके क्यों बैठे हैं? आपने तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया। तो मैं नाराज होके नहीं बैठा, बस मैं सोच रहा कि मैं ना अपने पिंड वापस चला जाऊँ। लेकिन क्यों दादाजी, हमारे तो आपके साथ दिल लग गया है। वो तुम्हारा दिल तो लगा, पर तुम्हारी माँ का दिमाग बहुत ज्यादा लगा। वो ना मैनू इथो कढ़ना चाहती है। कोड़े करेले मेरी मत मार छड़ी है। ओ मेनू हफ्ता हो गया तुहाडे घर आए, हर रोज सब्जी सब्जी, कदी सब्जी। उसे मैं कहा धीए सब्जी खा खा के मैं थक गया, ते पता की करिया? अगले दिन उन्ने मेरे लिए दाल तर छड़ी। ले दस, दाल भी कोई खाने वाली चीज है। तो दादी जी आपने क्या खाना है? ओ मैं क्या खाना है, बंदा कदी कोई कुकड़, कदी कोई कढ़ाई, कदी कोई मच्छी, कोई बटेरे, कोई पावे, कोई निहारियां। ओ तुहाडी मां कुछ नहीं बना सकदी, हर रोज मेनू खवांदी है सब्जियां ते दालां। आपको पता है ना कि दादी जी के आके डॉक्टर ने आपको मना किया है ऐसे गोश्त खाने से। वो आप सब्जियां खाया करो यार, विटामिन ए वगैरह चीज होती है, इससे आपकी बोन स्ट्रांग होगी। और चुप कर जा, मां दा वकील आ गया मेरे कोल। मेनू बेटा मैंने ए चाहिदा के ई चाहिदा, मेरी गल सुन। डॉक्टर ने ते मेनू हर चीज तो मना कर देना, ओ ते चांदा है मैं उंजी जड़ा भुखारा रह मर जावा, ते ए स्कीम दे विच शामिल आ गई तेरी मां भी। समझ आई है? खवा खवा के उन्हें मेनू कद्दू, मेरा ढिड भी उन्हें कद्दू वंगड़ा पोला ते पिल पला कर दिता। दादा वो मगर इसमें मम्मा की क्या गलती, वो तो सब आपके फायदे के लिए कर रही है। दादाजी इस तरह की कोई बात नहीं, मम्मा तो सिर्फ आपका ख्याल रखती है, और डॉक्टर ने भी आपको सबको मना किया, और वैसे भी परहेज इलाज से बेहतर ही होता। ओ परहेज इलाज से बेहतर, जब कब मैं आया हूँ ना यहाँ पे, मैंने लस्सी की शक्ल नहीं देखी वहाँ। हा? पिंड में मेरी दिन नहीं चढ़ता था लस्सी के बगैर। दूध दही की पुत्र खालस लस्सी, और उसके अंदर बड़ा पेड़ा मक्खन का डलवा के मैं पीता था। और यहाँ मैं ये भी भूल गया हूँ कि लस्सी का रंग क्या होता है। दादा जान, लस्सी का तो रंग व्हाइट होता है ना? अच्छा पकड़ जा, लस्सी का रंग व्हाइट होता है। दादा जी आपको पता है ना, डॉक्टर ने आपको मना किया मीठी चीजें खाने से, क्योंकि आपको शुगर की बीमारी है। और शुगर की बीमारी तेरी माँ भी यही कहती है। दादा डोंट टच लस्सी, डोंट टच लस्सी का क्या मतलब? वो पड़ोसी की बीवी है, उसे मैं टच नहीं कर सकता। गल्ला कर दिए दादाजी, दादाजी मीठा ना खाओ, दादाजी लूना ना खाओ, दादाजी ऑयल ना खाओ, देखी दादाजी मर जा। उबलियां सब्जियां खवा खवा के मेरा बेड़ा गरक कर देता। दादाजी ऑयली चीजें है ना, वो है ना फैट से आती है, और फैट आके लिए इस उम्र में अच्छा नहीं है। ना मेरे लिए फैट अच्छा, ना मेरे लिए मीठा अच्छा। तुम तुसी मेनू कल दे न्याणे दसोगे मेरे लिए की अच्छा है। जदों दा मैं आया बस एक दिन मेनू अंब चखाया,
और मैं अंब की खुशबू भी भुल गया किहो जी हुंदी सी। उत्थे बागा दे अंब नहर दे किनारे बह के मैं चूपदा डेढ़ डेढ़ किलो अंब चूप जांदा सां। इत्थे मैनू अंब वेखण नूं मैं तरस गया और मैं जा रहा अज मैं तुहाडे पिओ नूं कहंदा मेरी टिकट कराए मैं जावां बस इत्थों जेल खाना ना होए तां। दादा जी हम आपको खुश करने के लिए कुछ करते हैं है? मेरे खुश ताड़ी माँ ने भी मेनू बड़ा खुश किया भी मेनू बड़ा खुश कर रहे हो। जाओ जाओ के अपना काम करो। भुखा प्याणा मैं बैठा सुबह दा। इब्राहिम भाई हाँ? दादा वो सुबह से उदास हैं। क्यों क्या हुआ? उनको सुबह से मन चाह रहा है कि वो चिकन खाएं। अच्छा तो एक काम कर लेते हैं उनके लिए कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं मगर क्या मंगवाएं? अभी देख लेते हैं। हाँ ये चिकन कढ़ाई मंगवा लो एक ये। ठीक है और दो दो और मंगवाएं। एक कोरमा कर लो कोरमा। साथ में पराव कर लो मटर वाला क्योंकि उनको पसंद है। ठीक है और साथ में एक छोटी सी एपेटाइजर जैसी डिश जो करेले गोश्त कर लो। चलो ठीक है बस इतना काफी है। चलो अब उनको कॉल कर दो। कॉल बस मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया थोड़ी देर में वो खुद ही कॉल कर देंगे। ठीक है बस वेटिंग गेम है अब। दादाजी दादाजी क्या मटर पलाओ और करेले गोश्त वो कोरमा वो चिकन कढ़ाई वो पुतर ये सब कुछ कहाँ से आ गया? दादाजी आप नाराज थे ना तो हमने आपके लिए स्पेशल ऑर्डर किया है और अभी मम्मा आने वाली है तो हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं। ओ ठीक है पुत्र वो ना अपने भरा इब्राहिम को भी बुला लो सारे मिल के खाते हैं। आजो वो कुर्सियां फाड़ लो वो आजो 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 शाबाश लग गया आजो शाबाश शाबाश आजो 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 बैठो 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 पाइयां नु पाइयां आजो इब्राहिम आजो आजो शाबाश पांडे चुक तो तुहाडी मां आ गई ना वो फिर गुस्सा करेगी कि खा बैठे हैं। चुको मेरा बेटा असालन भी चुक के लै जाओ मेरा बेटा शाबाश चुक लो मां नूं पता नहीं चलना चाहिए। दादा जी ये ले आपके लिए स्पेशल मैंगो लेकर आया हूँ। ओ अल्लाह तेरा भला करे खा ले सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ओ शुक्रिया शुक्रिया आजो आजो तुसी भी खा लो आजो चलो। ओ बेटा जी मेरे से ना ये मैंगो चुक लो वरना मैं ये भी मका जाने। चलो मेरा बेटा शाबाश और ये छिलके सूट के ना
पांडे जड़े ना संभाल देना वरना तुम्हारी मां नु पता चल जाना। चलो मेरा बच्चा शाबाश चुको 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 दाऊद बेटा किचन में इतने बर्तन पड़े हैं, आपने खाने के लिए कुछ मंगवाया था? जी मम्मा। क्या मंगवाया था? वो मैंने घर का कुछ मंगवाया। अच्छा आप लोगों ने खाना खा लिया? खा लिया। दादाजी ने भी खाया? नहीं उन्होंने खाया। ओ नहीं बेटा जी, मैंने नहीं कुछ भी खाया, बस तेरे काकियों ने थोड़ा बहुत पता नहीं क्या कुछ मंगवा के खा रहे थे। अच्छा अब्बा जी मैं ना आप लोग के लिए कुछ बना के लाती हूँ। अब्बा जी आप सिर्फ 2 मिनट वेट करें, मैं आपके लिए रोटी उतार लूँ तो फिर मैं आपके लिए लेके आती हूँ। ठीक है जी, क्या करेंगे? ओ नहीं बेटा जी, मुझे नहीं खाना, मैं ना बस मेरा देरी नहीं कर रहा, सुबह से कुछ खाने को मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही। अब्बा जी इसलिए कि आपने ना सुबह से एक दवाई नहीं खाई है, अब खाना खाएं, मैं आपको दवाई दूंगी। अगर मैंने आपको खाना खिला के दवाई ना दी तो इनके डैडी ने आके ना मुझे बहुत डांट। आप प्लीज 2 मिनट वेट करें, बस मैं अभी आ रही हूँ। यार ये तेरी माँ क्या कह के चली गई है? मैं नहीं खा सकता दादा, वो भी हमने खाने के लिए क्या करें? ओ यार मैंने जितना खाना खाया है ना मैं अब एक नवाला भी नहीं खा सकता, अगर मैंने एक नवाला भी खाया ना तो मेरा सारा अंदर से बाहर आ जाना। वो जाओ अपनी माँ को कहो दादे ने नहीं खाना, किसी तरह ना उसको समझा के आओ कि दादे ने नहीं खाना। ये आपका मसला है, हम कुछ नहीं कर सकते। जा मेरा बेटा, मेरा शेर बब्बर, मेरा प्यारा, मैं बड़ा वधिया गिफ्ट दूंगा तुम्हें। हाँ जाओ मेरे पुत्र, जाओ समझाओ। हम दोनों मिलकर समझाते हैं। वेरी गुड। पागल जी ना हुई थे ओके, मेरे पीछे बह गई है। हम आ गए दादी जी। ओ बेटा अपनी माँ को समझा दिया तुम लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से। क्या समझाया उसको? हमने उनको समझाया है कि दादू कम से कम एक नहीं कम से कम 2 रोटियां खाएंगे। ओ तेरा भला जो ता ओ मैं चित्तर के छ मेरा प्रॉब्लम नु चित्तर। ओ रुक जा, ओ रुक जा।